हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यास्मीन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम कच्चे आम का अचार खापा वाला। अगर आप मेरे जैसा अचार बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अचार की रेसिपी की तरफ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यास्मीन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम कच्चे आम का अचार, और ये वैसे सुखा कर बनाती थी मैं, लेकिन आज मैं पहली बार थोड़ा सा ऐसा बना रही हूँ। रात को मैंने नमक और हल्दी लगा कर रख दिया था, और इसको अब ये निकाल लिया है मैंने। इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें अब इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक और हल्दी तो लगा दी हमने इसमें, और इसमें ही हम मसाले डालेंगे। अब सारे मसालों में क्या है, सौंफ है 200 ग्राम, 200 ग्राम सौंफ है, और क्या कहते हैं 50 ग्राम करीब, 3 टीस्पून जीरा है, 2 टीस्पून कलौंजी है, 4 टीस्पून मेथी है, मेथी दाना, और ये 100 ग्राम से ज़्यादा 150 ग्राम करीब पीली दाल है, राई पीली दाल, और ये राई है, और ये 100 ग्राम करीब कुटी लाल मिर्चें हैं, मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार डालना, ये हींग है, नमक है, और दिखाते हैं आपको। अब इसमें हम इसमें सौंफ डाल देते हैं जो हमें पीसनी है, थोड़ी सी आपको निकाल लूँगी। हल्के हल्के ये कोरने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी खुशबू ज़्यादा तेज़ तेज़ आँच पे गर्म करने से इसकी खुशबू चली जाती है मसालों की, इसलिए हल्के आँच पे ही गर्म करने हैं बस। थोड़े से जैसे हो जाए ये सूख गए हों, जैसे कि इनकी ये होते ना सूख गीले गीले से, वो बस वो खुशकपन आ जाए इनमें। फिर इसको निकाल के पीस लेंगे हम। अब इसी में हम जीरा डाल देंगे। अब ये हमारा जीरा सॉफ्ट हो चुकी है, ज़्यादा नहीं करा हमने, हल्का हल्का करा है बस, इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाना गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। और इसमें ही वो डाल देंगे राई दाल। जो जो पीस चीज पीसनी है ना वो डाल देंगे, और इसी में ही आली राई डाल देंगे। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वो है, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, उससे सौंधापन आ जाएगा, पीली वाली दाल से सौंधापन आता है, और ये वाली राई से खट्टापन आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे अगर हमी थोड़ी अभी हमारी वैसी है ना, देसी है, अभी नई नई चली है ना, पुरानी वाली जब जब एंड जा रहा होता है ना आमों का सीजन, तब वो अचार आम का आता है, उसके अचार वो ज़्यादा खट्टा रहता है। ये अभी थोड़ा वैसी है, तो इसमें आप राई डाल सकते हैं, हमने थोड़ी सी राई डाली है, डाल सकते हैं आप। अभी हमारा हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं एक ही में, इनको सबको पीसना है ना हमें। अभी थोड़ी सी कलौंजी है बस, यही बंद, अब इसको ज़्यादा उसमें नहीं करनी, ये अब ये पीसना नहीं है हमें, बस ये यूँ करके मैं साबुत डालूँगी। तो और ये कलौंजी थोड़ी सी साबुत डालूँगी, वो पीस लूँगी, और मेथी दाना भी थोड़ा सा साबुत डालूँगी। मेथी दाना दिखा रही है अभी, मेथी दाना और है, ये साबुत डालूँगी बस मैं। हमने फ्राई पैन बंद, गैस बंद कर दी, बस जो हमारा फ्राई पैन गर्म है ना उसी में ही हो जाएगी, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करनी, ज़्यादा जलानी नहीं है कोई चीज़ भी। कलौंजी मेथी और क्या कहते हैं सौंफ, ये हमने साबुत डालेंगे इसमें फ्राई पैन में। ये हमने सारा मसाला जो था साबुत वो हमने पीस लिया है, मेथी सौंफ धनिया, धनिया नहीं डालते, धनिया से कहते हैं ज़्यादा दिन रखो ना तो ख़राब होने का डर रहता है, धनिया चक्कर में डालती नहीं मैं, मेरे 2-2 साल 3-3 साल अचार यहीं चल जाता है, इसलिए धनिया नहीं डालती मैं। ये हमने डाल दिया सब सारे में से, साबुत मसाले जो थे वो सारे डाल दिए। अब इसमें नमक डालना है, थोड़ा हमने उसमें डाला था
कल डाला था, हल्दी और नमक दोनों डाले थे, वो फीका था थोड़ा, कम था, और अब इतना और डाल लेंगे, 50 ग्राम करीब और डालना है। और क्या कहते हैं, ये 100 ग्राम करीब लाल मिर्चें हैं, ये तीखी वाली इन मिर्चें हैं, इसलिए मैंने 100 ग्राम डाल लेंगे, वरना तो ज़्यादा डल जाती हैं, आप अपने हिसाब से डाल लेना कम ज़्यादा। और ये हल्दी है, थोड़ी हल्दी हमने उसमें डाली थी, 50 ग्राम करीब डलती है 5 किलो में, 50 ग्राम करीब हल्दी हमने थोड़ी रात को डाल दी थी, थोड़ी अब डाल दी। और हमने हींग, हींग डाल रहे हैं हम इसमें, एक डेढ़ चम्मच का मेरे करीब वही है। और ये साबुत मसाला है जो हमने एंड में डालने के लिए, ये पीसा नहीं था हमने साबुत मसाला, ये डाल देते हैं। और हम कम से कम इसको अचार को 2-4 दिन धूप लगानी है हमें, ऐसे ही एक एक दिन में खोल खोल के चला के देखना है एक एक दिन, फिर हमें 4 दिन तक ऐसे ही इसी पानी में इसी में गलाना है, तेल नहीं डालना अभी हमें। और ये गल जाएगा ना जब बिल्कुल खुशक हो जाएगा, ये पानी जो थोड़ा बहुत छोड़ेगा ना, नमक और हल्दी पर पानी छोड़ेगी, उससे ही मसाले सारे फूल जाएंगे, गल जाएंगे ये मसाले, ये गल जाएंगे, फिर इसमें जब तेल डलेगा ये मसाले फूल जाएंगे, बिल्कुल खुशक हो जाएगा ये अचार। और ये पहले जब मैंने पिछली थाल डाला था वो सुखा कर मिर्चें सुखा कर, आमी सुखाई थी उसको जब डाला था, उसमें क्या होता है वो तेल ऊपर ऊपर रहता है, उस पर अचार पर चिपटता नहीं है मसाला, हाँ पर चिपटता नहीं, जैसे अब ये चिपट गया है, अब ये इस पर चिपटा ही रहेगा इस वाले अचार में, ये मसाला आराम से चिपक जाएगा, जितना जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे मसाला चिपटा रहेगा, जैसे ये आपके खापों पर चिपटा हुआ आ रहा है जैसे करके ऐसे चिपटा रहेगा ये। फिर 4-5 दिन बाद डालेंगे तेल हम गरम करके सरसों का, उससे ठंडा करके जब डालेंगे हम, 2 दिन बाद दिखाते हैं खोल कर आपको, तो 2 दिन में इसका क्या रिजल्ट है, फिर 2 दिन बाद फिर दिखाएंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद ऐसे चलाने के बाद खूब हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, फिर एक कपड़े से साफ कपड़ा लेकर इसको हमें ढक के धूप में 2-4 दिन का करीब ऐसे करके रखना है ढक के और खुले बर्तन, फिर हम चीनी या कंच के बर्तन में, चीनी के बर्तन मर्तबान में या कंच के मर्तबान में इसको करके रखेंगे, ठीक है। हेलो गाइज, ये हमने 4 दिन बाद अपने छत पर से धूप में से उतर निकाला है, जो मसाला डाल दिया था हमने अचार में, तो हमने 4 दिन बाद दिखा रहे हैं, ये देखो मसाला कितना फूल गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब हमने इसमें तेल भी गर्म कर लिया है, जो हमें तेल डालना है 1 किलो करीब, और हमने थोड़ा सा तेल ना बीच में डाल दिया था, 250 ग्राम करीब डाला होगा, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल की वो नहीं है, क्योंकि अब मसाला जो कितना चिपट गया है अचार से, बिल्कुल चिपट गया है मसाला, और गल भी गया खूब अच्छी तरह से, देखो मसाला खूब चिपट गया है, कलर भी अच्छा आया है। और हमारी तरह ही बनाए, ज़्यादा दिन ना रखें, बस 3 या 4 दिन रखें बस ये मसाले में डाल के, ज़्यादा दिन रखेंगे फंगल छिलक जाता है। और तेल ज़रूर डालें, और तेल ज़्यादा डालें अपने हिसाब से, जितना तेल डाला होगा उसमें उतना ही सही रहता है, कम तेल डालेगा तो फंगस लगने का डर रहता है। हम ये डाल रहे हैं तेल, हमने 1 किलो करीब लिया है तेल सरसों का, और इसे हल्का सा गर्म करके हमने ठंडा कर लिया है, इसमें अब देखो तेल बिल्कुल सही हो गया इसमें। और जो डिब्बे में भरेंगे ना, छोटे मुंह के डिब्बे में भरने से ना तेल ऊपर आ जाता है, ज़्यादा चौड़े मुंह के बर्तन में ना रखें अचार को, तो वो उसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये 1 कप हमने, 1 कप करीब हमने विनेगर लिया है, वाइट विनेगर है, इससे तेल, इससे ना क्या कहते हैं अचार ज़्यादा दिन तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता, वाइट विनेगर डाल दें आप, 1 कप लिया है हमने। हमारी तरह अचार बनाएं और फिर बताएं, और इसका सफाई का परहेज रखें, गंदे हाथ ना लगाएं, झूठा चमचा ना डालें। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मेरी इस रेसिपी को से बनाएं अचार, और खा के बताएं हमें कैसा बनाएं, मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।